बगान में कितना सारा सब्जी है। अभी प्याज हो रहा है और ये देखिए पालक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुहार सभी को। और सुबह सुबह नहा लिए हैं, लेकिन धूप इतना कड़ा किया है। अभी 10 बजे है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो कहीं पे स्टार्ट करते हैं। अभी खाना वगैरह बना लेते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर घर में बहुत दिनों से पेपर रखा हुआ था, तब मम्मी वही पेपर वाला आया था, तो पेपर वाला को दे रही है। और साथ में कुछ बर्तन भी स्टील वगैरह का टूटा फूटा है, वो भी दे दे रही है। उधर जैसे कि आप लोगों ने देखा, मम्मी उधर पेपर सब दे दे रही है, बहुत दिनों से रखा हुआ था। मैं बोले दे दो, घर में पड़ा हुआ बहुत सारा हो गया था, बहुत दिन से नहीं दिए थे, तो बोले दे दो। और बर्तन भी कुछ स्टील का टूटा फूटा है, वो भी बर्तन मम्मी दे रही है। और इधर हम चावल वगैरह चढ़ा लिए, दाल भिगो के रखे हैं, अब उसको पीसेंगे। ये देखिए मैंने दाल भिगो के रखा है, अब इसको पीस लेते हैं। आज दाल का बड़ी बनेगा। मम्मी आज पूरा डब्बा साफ किए, पूरा खाली है। देखिए सारा सामान निकाल के रखिए, डब्बा सब सूख जाएगा, फिर उसमें डाल देगी। देखिए ये सरसों, पीला सरसों, इसको दरदरा पीस लिया है मैंने, थोड़ा मोटा ही पीसा है। अब इसका बनाएंगे बड़ी। और तब तक आ गया मेरा एक पार्सल, और भी पार्सल आने वाला है, तो वेट कीजिएगा। मीशो से मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट मंगाया, उसका अलग से वीडियो आएगा, तो देख। ये देखिए हमारे बागान में कितना सारा सब्जी है। अभी प्याज हो रहा है, और ये देखिए पालक, वो देखिए हरा साग, इधर है धनिया पत्ता, उधर है खीरा। पापा लगाए हैं, पिछले बार खीरा बहुत फला था, आप लोगों ने देखा ही था। और इधर भी थोड़ा बहुत साग, पुदीना पत्ता हो गया। अब चटनी खाने में गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा, तो चलिए आज हरा साग का बनाएंगे चटनी। तो इसी को तोड़ते हैं। देखिए यहीं से शुरू तोड़ते, एक टोकरी ले आए हैं। ये अभी छोटा छोटा है ना, खाने में इसका चटनी बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा पालक ही पालक है, अभी छोटा छोटा है तो हो ही गया खाने लायक। ये देखिए ये छोटा छोटा, इसका चटनी बनाएंगे आज, इसमें एक दो लाल भी है। तो चलिए तोड़ते हैं छोटा छोटा। इसका साग भी खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, अभी छोटा है ना। तो देखिए इतना सारा तोड़ लिए हैं, अब चलते हैं, अब दूसरा साग तोड़ेंगे। अब दोनों को मिला के इसका चटनी बनाएंगे। अभी प्लस पत्ता भी तोड़ना पड़ेगा, इसको जलाएंगे उसमें डाल के। और ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ये चटनी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गर्मी के दिन में ही बन पाता है, तो इसीलिए आज बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। अभी और थोड़ा साग तोड़ेंगे, वो दूसरा साग है, तो चलिए दिखाते हैं। वो भी हम लोग के घर में ही है, सब कुछ घर में ही मिलता है। यहाँ गांव है ना, गांव में सब कुछ मिल जाता है। अरे लाली कहाँ सो रही है? इसको नहला दिए थे, लेकिन फिर से रंग ले लिए। कर लाली, सुतो सुतो सुतो, तुमको नहीं निकलना है। देखिए ये तो निकल ही जाती है, धूप में कहाँ जाएगी। इतना धूप किया हुआ, ज्यादा धूप किया हुआ। घर है साग, चलिए तोड़ते हैं। इधर देखिए आपको दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन, ये सारा साग है। देखिए कितना सारा, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग इसको गीमा साग बोलते हैं, थोड़ा तीता लगता है। का लाली इतना खुश का है? ये देखिए तोड़ लिए, अब इसको धो लेते हैं। अच्छे तरह से इसको धो लेते हैं।
अब हम जा रहे बाड़ी पलाश का पत्ता लेने, लाली का खुशी का ठिकाना है। लाली ए ए ए देखिए साग लगाई मम्मी, इधर भी बहुत सारा है। ये खीरा है, ये झींगा है, ये करेला, देखिए पापा लगाए से, इधर भी झींगा है और इधर है गाजर। कहाँ है लाली? देखिए इधर है झींगा और ये भी खीरा है शायद। और ये देखिए इधर है, उधर हरा साग है, इधर लाल साग, और ये रहा मिर्ची। और देखिए सारा पेड़ में इतना सारा फूल आया, पूरा चारों तरफ फूल आया। और इधर है लौकी, ये लौकी का। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए इस बार, देखिए छोटा सा आम, इस बार उतना आम नहीं होगा लग रहा है। देखिए सब झड़ गया इसका फूल। तो चलिए अब चलते हैं। आ लाली, अब चलते हैं पलाश का पत्ता खोजने। मिलेगा कि नहीं वो हमको नहीं पता, इतना धूप में अभी है कि मर गया पता नहीं। तो चलिए खोजते हैं। इधर है लेकिन मर गया है नहीं। हम लोग का बाड़ी में भी एक था लेकिन नहीं है। और लाली भाग गई उधर, देख रहे हैं मिल तो जाना चाहिए। तो वो देखिए सजना का पेड़ जिसको हम लोग सूटी बोलते हैं, बहुत सारा फला है। ज्योति लेके गई है, घर में भी कल बना था, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है। पर हमको पलाश का पत्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। पागल ही हो जाती है, इतना खुशी। चलो लाली घर चलो, बहुत धूप है बेटा। पलाश का पत्ता नहीं मिला, मम्मी को बोलेंगे, मम्मी कहीं से ला देगी। हमको पलाश का पत्ता कहीं नहीं मिला, कुछ पत्ता कहीं नहीं मिला। पहले अमरूद का पेड़ था उसका भी पत्ता, लेकिन कोई पत्ता नहीं मिला। गर्मी का दिन में ना सारा पत्ता झड़ गया, और पलाश का पत्ता तो है ही नहीं, पेड़ सब मर गया। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके हम चटनी बनाए हैं, तो दिखाते हैं चटनी। ये देखिए मेरा भरता बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारा घर का सजना जो दिखाए थे, जिसको हम लोग सूटी बोलते हैं। ये उस दिन ज्योति लेके गई और पापा तोड़ के रखे हुए हैं। ये सब्जी एक दिन बना है, फिर बनेगा, और दीदी आएगी तो लेके जाएगी। हमको उतना पसंद नहीं है, लेकिन ये खाना चाहिए इस टाइम। ये मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम जो चिकन पॉक्स वगैरह होता है ना, इसको खाने से वो नहीं होता है। गर्मी में हमेशा चिकन पॉक्स वगैरह होता है, तो इसको खाने से नहीं होता। हमको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं ताकि हमको ना हो, हमको हो चुका है। तो इसीलिए देखिए एकदम ताज़ा ताज़ा। और रात का मैंने डिनर बना लिया। गर्मी में ही दिक्कत है, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पूरा पसीना पसीना हो गया। बस रोटी सब्जी बनाने में मेरा हालत ख़राब हो गया पूरा, बहुत ज़्यादा। अभी इतना गर्मी है कि बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने बना लिया अंडा कढ़ी और रोटी। मेरा अंडा कढ़ी एकदम देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। ये पक चुका है, मैंने बस अभी अभी उतारा है। और इधर मेरा रोटी भी बन के रेडी हो चुका है। लाली कब से देख रही कि कब अंडा बनेगा, अंडा के लिए बैठी हुई। बन गया लाली, अब मिलेगा। देखिए पूंछ हिल रहा है इसका, और डिब्बू भी बैठा है, डिब्बू ये रहा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और कोको बाहर में बैठी। चलिए तो चलिए मम्मी पापा को खाना देते हैं, हम बाद में खाएंगे, थोड़ा हम हवा खा लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है हमको। और ये रहा मेरा डिनर रात का, अंडा रोटी। तो चलिए खा लेते हैं, 9 बज चुका है, मेरा खाना बनाते 9 बज गया, तो चलिए खा लेते हैं। और होली के बाद से मम्मी का तबीयत पूरा ख़राब है, पूरा बुखार हो गया। आज उठी है थोड़ा, आज थोड़ा घूम रही है, नहीं तो सर्दी में पूरा सर्दी बुखार हो गया होली के दूसरे दिन से, पूरा बहुत ज़्यादा। अभी ठीक है। तो रात का डिनर वगैरह सब कुछ कर लिए, सब हो गया, सब मम पापा सोने भी चल गए, तो हम भी जाते हैं सोने। तो वीडियो कहीं पैन करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।